पालक टमाटर खीरा काजू खाना भाई पसंद किसे नहीं है, लेकिन क्या कभी सुना है कि ये ना आपको शक्तियाँ नहीं देती बल्कि आप लोगों को कमज़ोर बना रही हैं, आपका यूरिन जो है अंदर ही अंदर रुकने लग जाएगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सभी तो कहते हैं भाई ये सारी चीज़ें खानी चाहिए, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी बताने वाली हूँ जिसके अंदर आपने अगर इन्हें खा लिया ना तो ये जहर का काम करेंगे, आपका यूरिन तक नहीं निकलेगा। तो चलिए आपको डॉक्टर फोगाट के पास लेकर के चलती हूँ जो हमें इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर फोगाट मुझे ये बताइए कि मुझे अभी अभी पता चला है कि पालक खाने से यूरिन जो है वो शरीर से उतर नहीं पाता, ऐसा क्या है पालक के अंदर? मैम अगर जनरली बात करें तो यूरिन उतरने का एक कारण नहीं होता, यूरिन उतरने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपको स्टोन की प्रॉब्लम हो, स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ सकते हैं, पेशाब में रुकावट का कारण बन सकता है जो आगे चल के जिसका आपको ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है। अगर बात की जाए स्टोन की, आप कह रहे हैं कि इन सब्जियों को खाने की वजह से पथरी की दिक्कत हो सकती है, पथरी की वजह से स्टोन हो सकता है, और स्टोन जो है वो अगर हो गया आपको तो आपका जो है यूरिन पास आउट नहीं होगा। तो मुझे ये बताइए कि भाई बहुत सारे लोग तो कहते हैं इससे शक्तियाँ मिलती हैं, प्रोटीन मिलता है, खाना चाहिए, तो जब स्टोन हो जाता है तो आखिरकार आदमी खाए क्या? मैम ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चीज़ें खाने से स्टोन की समस्या आ सकती है, ये चीज़ें कई चीज़ें हैं जो चीज़ें कोरिलेटेड रहती हैं, जैसे आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, आप उन चीज़ों का पालक का ज़्यादा सेवन कर रहे हो, आप बीज वाली चीज़ों का ज़्यादा सेवन कर रहे हो, साथ साथ आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, आप पानी का सेवन कर ही नहीं रहे हो, तो आगे चल के किडनी है वो किडनी उन चीज़ों को बाहर नहीं निकाल पाएगी जो आगे चल के आपको स्टोन की प्रॉब्लम देखने को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। डॉक्टर मुझे ये बताइए कि कई लोगों को नॉर्मल पेट के अंदर दर्द होता है और कई लोगों को स्टोन का दर्द होता है, तो कैसे पता लगे कि कौन सा नॉर्मल पेट का दर्द है और कौन सा स्टोन का दर्द है? देखिए दोनों पेन के अंदर अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे अगर नॉर्मली हम पेट के दर्द के बारे में बात करें तो पेट के दर्द की जो मेन समस्या रहती है वो मेन समस्या रहती है कि जैसे आपने खाना खाया, खाना खाते ही जो आपके स्टमक है, स्टमक के अंदर आपको जो आपके HCl सिक्रेशन होते हैं जितने भी, तो वो क्या है वो आपको एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जैसे GIT बोलते हैं, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्रैक्टिव डिजीज कहा जाता है, जो आपके यहाँ के या जो ढक्कन जिसे कहा जाता है अगर सिंपल सी बात भाषा में बात करें तो वो ढक्कन आपके अच्छे से क्लोज नहीं हो पाएंगे, जो आगे चल के आपको खट्टी डकारें देखने को मिलेंगी, मुंह का टेस्ट कड़वा देखने को मिलेगा, वो कारण है। अगर पथरी के बारे में बात करें तो पथरी अपनी जो हमारे बैक में रहती, जो आपकी किडनियाँ रहती हैं, किडनियाँ हमारे बैक में होती हैं, बैक से जो पेन है वो फ्रंट की तरफ आता है, वो फ्रंट की तरफ आता है, तो वो फ्रंट का में जो जितने भी पेशेंट है जो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में स्टोन है तो राइट साइड में पेन होगा, अगर लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड में स्टोन आएगा, तो वो मेन है आपकी किडनी अच्छे से फिल्ट्रेट नहीं कर पा रही है आपकी बॉडी से, जो एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको चीज़ को बाहर नहीं निकाल पाएगी, तो आपको उस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। डॉक्टर आप कह रहे हैं कि जो जनरल दर्द होता है उसके अंदर आगे की तरफ दर्द होता है, लेकिन पथरी के अंदर पीछे से यानी कि बैक से जो है आपका दर्द आगे की तरफ आता है, लेकिन ये बात तो हो गई किडनी स्टोन की, लेकिन अगर पित्त की थैली के अंदर पथरी हो, पित्त की थैली तो यहाँ होती है, तो कहाँ पर दर्द होगा? मैम उसका राइट साइड में पेन होगा, राइट साइड में हमारा ये गालब्लैडर है, गालब्लैडर के जो पेन है वो फ्रंट से बैक की तरफ जाएगा, और दोनों चीज़ें अपोजिट होती हैं। अगर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो किडनी स्टोन के अंदर बैक से फ्रंट की तरफ आएगा, और GB स्टोन है, गालब्लैडर स्टोन है, तो आपको पेन आगे से पीछे की तरफ जाएगा, जिसे पित्त की थैली का दर्द कहा जाता है, तो दोनों स्टोन के अंदर पेशेंट खुद कंपैरिजन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट अपना अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं और यूरिन के टेस्ट भी करवा सकते हैं ताकि वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाएं। आप राइट साइड की बात करें, राइट साइड के अंदर तो कई बार अपेंडिक्स का भी दर्द हो जाता है, तो वो दर्द इससे कैसे लगा? अपेंडिक्स का जो पेन रहता है वो लोअर पार्ट में रहता है, ये यहाँ पे आपका अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का पेन हमेशा नीचे की तरफ होगा ना, क्योंकि एब्डोमेन में जो है पेन रहेगा। मैम सारा एब्डोमेन ही रहता है, लेकिन एब्डोमेन के अलग अलग रीजन होते हैं, 9 रीजन होते हैं इसके, तो लोअर पार्ट में होगा अगर अपेंडिक्स का पेन होता है तो आपको। तो ये पथरी की जो आप बात कर रहे हैं, मैंने सुना है कि बहुत सारी तरह की पथरियाँ होती हैं, तो क्या पथरी के पत्थर भी अलग अलग होते हैं? मैम कैल्शियम स्टोन है, यूरिक एसिड स्टोन है, ये अलग अलग पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है तो आपको कैल्शियम स्टोन देखने को मिलेगा, काफ़ी लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से यूरिक एसिड स्टोन देखने को मिलेगा, फीमेल है फीमेल के अंदर स्टूरिक स्टोन पाया जाता है वो चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। अच्छा अगर एज की बात की जाए तो जवानों के अंदर जो है स्टोन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है बूढ़ों में?
मैम एज फैक्टर इतना कोरिलेटेड नहीं रहता, लेकिन मेन इसमें नॉर्मली के एज का क्राइटेरिया अगर मान के चलें तो ये 25 से लेकर 35 या 40 के एज तक अधिक देखने को मिलता है। अच्छा, अगर बात की जाए खान पान की, तो क्या जो लोग ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं उनके अंदर ये स्टोन बनने की दिक्कत ज़्यादा होती है, या फिर ये पत्थरी बनने का सबसे बड़ा मेन रीज़न कौन सा खाना है? हाँ देखिए, मेन तो आपकी डाइट है। मेन मैंने स्टार्टिंग में एक मेन कारण बताया कि आपकी बॉडी के अंदर किस चीज़ जो चीज़ें ज़्यादा होंगी और वो चीज़ें बॉडी से अगर बाहर नहीं निकल पाएंगी तो आपको उसी टाइप के स्टोन देखने को मिलेंगे। आप कैल्शियम का ज़्यादा इंटेक ले रहे हो तो आपको कैल्शियम स्टोन होने के ज़्यादा चांसेज हैं। यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है तो यूरिक एसिड स्टोन देखने को मिलेगा। मेन कारण क्या है, आपकी बॉडी के अंदर जो चीज़ें ज़्यादा है तो उसी टाइप का स्टोन देखने को मिलेगा। साथ यानी कि भाई, अगर लोग कहते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा पीना चाहिए, विटामिन ज़्यादा खाने चाहिए, अगर उसे ज़्यादा भी खा लो तो भी आपको दिक्कत करेगा। हर एक चीज़ ये तो है ना कि जो चीज़ आप ज़्यादा लोगे तो आगे चल के बॉडी एक्सक्रीट नहीं निकाल पाएगी, तो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगा, तो इसीलिए वो चीज़ें बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। डॉक्टर, ये तो बाद की बात है, लेकिन जब स्टार्टिंग के अंदर पता ही नहीं लग पाता कि स्टोन है, तब सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं? देखिए, जो जनरली सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो आपकी पहला कारण, आप पानी का इंटेक कम पी रहे हो, उसके साथ साथ आपको पेन है वो बैक से फ्रंट की तरफ आ रहा है। अगर आपको किडनी स्टोन है, अगर आपको फ्रंट से बैक की तरफ आ रहा है, राइट साइड की अगर बात करें, तो फिर आपको जीबी स्टोन देखने को मिल सकता है, जैसे पित्त की थैली का दर्द रहते हैं। अगर लोअर पार्ट में पेन है तो अपेंडिक्स का पेन हो सकता है, या फिर आपको खाना खाते ही आपको खट्टी डगारें आती हैं या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती हैं, पेट में जलन टाइप के सिम्टम्स आते हैं, तो वो आपको गैस्ट्राइटिस है, वो चीज़ें नॉर्मल हैं। जैसे हमारा जितने भी हम तला भुना ज़्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से जनरली सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डॉक्टर, जब गोल ब्लैडर का जो पथरी होती है यानी कि पित्त की थैली के अंदर, तो क्या ऑपरेशन करके उस जो है पथरी को निकाला जाता है या फिर पित्त की थैली को ही निकाल दिया जाता है? देखिए, अगर ये चीज़ें पैथी टू पैथी मैटर करती हैं, लेकिन अगर होम्योपैथी वाइज बात करें तो होम्योपैथी में बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीरफाड़ के, जो पेशेंट की जो गॉलब्लैडर स्टोन, जैसे पित्त की थैली का पेन कहा जाता है, स्टोन कहा जाता है, वो चीज़ें बिना ऑपरेशन के ही निकल जाती हैं। ये चीज़ें मैटर करती हैं पेशेंट को स्टोन कितनी है। अगर पेशेंट को 10 mm या 11-12 mm तक की स्टोन है तो ईजिली निकल जाएगी, अगर उससे ज़्यादा है तो चीज़ें नहीं निकल पाएंगी। कई लोग कहते हैं किडनी के अंदर अगर स्टोन होता है तो वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है, लेकिन अगर बात की जाए होम्योपैथी की, तो क्या वो परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाता है होम्योपैथी में? बिल्कुल मैम, अगर पेशेंट को इनिशियल कंडीशन में पेशेंट को चाहे जीबी स्टोन तो नॉर्मली 10 mm तक इजीली निकल जाता है। इसके अलावा जो पेशेंट को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम रहती है, किडनी स्टोन 15-20 mm तक का भी निकल जाता है, लेकिन उसमें पेशेंट को टाइम लगता है, और वो पेशेंट का जो स्टोन है वो बिल्कुल बारीक बारीक हिस्सों में, कणों में टूट के ही निकलती है जो पथरी। तो क्या दोबारा नहीं होगी पथरी, क्या इसकी गारंटी आप लोग देते हैं होम्योपैथी में? बिल्कुल, पेशेंट को 2-3 months पेशेंट को मेडिसिन कंटिन्यू करने होते हैं और कुछ चीज़ों के रेस्ट्रिक्शन लगाने होते हैं, डाइट के अंदर चेंजेस करने होते हैं, जिनके बाद पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक ना तो कोई दवाई लेने की जरूरत पड़ेगी ना कोई और ट्रीटमेंट। तो लगभग कितने महीने तक ये दवाई खानी पड़ती है? ये चीज़ें अगर मेडिसिन वाइज बात करें तो पेशेंट को केवल नॉर्मली बात करें 2-3 महीने तक का एक कोर्स रहता है। ये परसेंट की स्टोन टू स्टोन मैटर करता है, पेशेंट को अगर ज़्यादा बड़ी स्टोन है तो उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा, अगर इनिशियल कंडीशन में है तो उसको शॉर्ट टाइम के अंदर ही वो चीज़ें निकल जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सोनू फोगाट, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं होम्योपैथी के अंदर, पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं होम्योपैथी के अंदर ही, और इनका हॉस्पिटल है गीता पनवाड़ी की दुकान के बिल्कुल सामने नागौरी गेट के ऊपर। अगर आप लोग भी हिसार के मदर हॉस्पिटल के अंदर आना चाहते हैं तो डॉक्टर सोनू फोगाट से परामर्श ले सकते हैं स्टोन की प्रॉब्लम को लेकर के, और उसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए और चाहते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन की वजह से आपका चीरफाड़ ना करना पड़े और आपकी पथरी भी निकल जाए, तो ये अब पॉसिबल हो चुका है। तो डॉक्टर, एक बार नंबर बता दीजिए। हॉस्पिटल का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, या हमसे ऑनलाइन भी पेशेंट, जो पेशेंट दूर बैठे हैं जो हॉस्पिटल नहीं आ सकते, तो वो ऑनलाइन मेडिसिन कुरियर भी करवा सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ, बस खाते जाओ और खाते ही जाओ श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेल ट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेल ट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप।